हम बावल रोफमैन कंपनी से सभी वर्कर आज यहाँ इकट्ठे हुए हैं और हमने यहाँ ज्ञापन दिया है। और ये ज्ञापन हमने इसलिए दिया है क्योंकि हम जितने भी वर्कर हैं यहाँ और कंपनी के अंदर बावल रोफमैन में काम कर रहे थे, पिछले 4-5 साल से काम कर रहे थे और हमने हमारी फाइल लगाई थी, यूनियन की फाइल लगाई थी। उसके बाद में एक एक करके हमारे सभी साथियों को कंपनी प्रबंधकों ने निकालना स्टार्ट कर दिया, जिसमें 18/9/2017 में फाइल लगाई थी पहली हमने। उसमें हमारे पहले कपूर सिंह को टर्मिनेट किया और मंदीप दलाल उनको सस्पेंड किया और उसके बाद में राकेश यादव है उनको सस्पेंड किया। उसके बाद में सतीश कुमार हैं उनको टर्मिनेट किया डायरेक्ट और नसीम अंसारी हैं उनको टर्मिनेट किया। हमने जब फाइल लगाई इसके बाद में इन्होंने एक एक करके सभी साथियों को टर्मिनेट और सस्पेंड करना स्टार्ट कर दिया, क्योंकि हमारी कंपनी के अंदर हमने कंपनी प्रबंधक से ये आवाज़ उठाई थी कि हमारी कंपनी के अंदर जो हमारा इंक्रीमेंट है वो टाइम टाइम से नहीं हो रहा था, वर्कर्स के ऊपर जोर जबरदस्ती वगैरह कर रहे थे, बस वगैरह नहीं लगा रखी थी, 12 घंटे जबरदस्ती ड्यूटी करवाते थे, ओवर टाइम नहीं देते थे और ओवर टाइम अगर मिलता था केजुअल वगैरह को तो उनको सिंगल ओवर टाइम मिलता था और परमानेंट को ओवर टाइम नहीं मिलता था। इसलिए हम सब बंदों ने मिल के अभी क्या स्थिति, अभी हम एक साल हो गया हमें और कंपनी के गेट के बाहर हम धरने पे बैठे हैं, ना तो हमारी कंपनी प्रबंधक कुछ सुनाई कर रहा है ना ही प्रशासन कुछ सुनाई कर रहा है। लेबर कोर्ट तो कितने मजदूर हैं हमारे 150 बंदे बाहर हैं अभी फिलहाल, जिसमें 116 परमानेंट हैं और ट्रेनिंग भी है और कॉन्ट्रैक्ट के बंदे भी हैं, ना तो हमारा लेबर डिपार्टमेंट कुछ सुनाई कर रहा है। लेबर डिपार्टमेंट में हम जाते हैं डीसी वगैरह को ज्ञापन देने के लिए जाते हैं तो वो एक दूसरे के ऊपर बात थोप के आगे रेफर कर देते हैं। तो हमें अब हमने बड़ा फैसला लिया है यहाँ और 20 तारीख को बहुत ही बड़ा ताऊ देवीलाल मानेसर स्टेडियम से सारे बंदे हम इकट्ठे होंगे और जितनी भी यूनियन है सभी कंपनियों की सारे इकट्ठे होंगे और एक बड़ा जुलूस निकालेंगे।